एक स्लैब को कास्ट करने में कॉन्क्रीट मिक्सर का कितनी बार इस्तेमाल होगा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को स्टे जरूर से कर लीजिए, काफी वैल्यूएबल है। दोस्तों सबसे पहले हम स्लैब के डायमेंशन को कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना इसमें कॉन्क्रीट लगेगा। तो एक बहुत ही बेसिक सामने डायमेंशन यह है 10 फीट लंबाई, चौड़ाई है 8 फीट और थिकनेस है 0.5 फीट। इस हिसाब से दोस्तों 40 क्यूबिक फीट का यह स्लैब हो जाएगा। इसमें 40 क्यूबिक फीट जितना कॉन्क्रीट जाएगा इतना बोल सकते हो, और ये वेट कॉन्क्रीट होगा। दोस्तों उसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन और समझने का ये है कि 10x7 इसका ये मतलब होता है कि 10 क्यूबिक फीट का जब हम ड्राई क्वांटिटी डालते हैं कंक्रीट का, ड्राई क्वांटिटी कंक्रीट में क्या होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, और पानी के साथ जब मिलाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 7 क्यूबिक फीट। तो 10/7 का मतलब ये होता है कंक्रीट मिक्सर ऑफ 10/7 के बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्यूबिक फीट का ड्राई माल जाएगा पूरा, तो 7 क्यूबिक फीट का हमें कंक्रीट मिलेगा। इस हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ स्लैब को डिवाइड बाय 7 हम कर देते हैं 40/7, है ना, क्योंकि 40 भी वेट कंक्रीट है और 7 भी वेट कंक्रीट है। इसलिए इस हिसाब से दोस्तों हमें लगभग 5.71 टाइम्स या एप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि 6 बार आपको ये कंक्रीट मिक्सर को घुमाना पड़ेगा या यूज करना पड़ेगा। ऐसे वीडियो के लिए फॉलो कर लीजिए, बाय द वे आप सीख सकते हो बहुत सारे मॉड्यूल के माध्यम से, पैकेज के माध्यम से बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग फील्ड में।